गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है कारक के भेद, कारक के काइंड्स पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने कारक की डिफाइन, उसकी परिभाषा, उसके जैसे और कारक क्या होता है, ये सब कुछ हमने आपको इससे पहले के वीडियो में समझाने का प्रयास किया था। देखिए, उस वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि कारक संबंध बतलाने वाले तत्व होते हैं। क्या बतलाते हैं? संबंध बतलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ये डिफाइन हमने आपको पिछले वीडियो में लिखाई थी, आपने पढ़ी होगी। इसके बाद हमने कारक के काइंड्स भेद पढ़े। भेदों की संख्या हमने आपको बताई थी 8। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। इन आठों भेदों का नेम हमने आपको एक उसमें लिखाया था, और उन भेदों का डिटेल आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। जैसा कि आपने पहले के वीडियो में भी लिखा था कि कारक का जो पहला भेद होता है वो होता है कर्ता कारक। क्या नाम होता है कारक के पहले भेद का? कर्ता कारक। जैसा कि हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो सेंटेंस में देखते हैं कि उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है। तो इसी तरह से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, उनका जो संबंध बतलाने का कार्य जो करते हैं वो कौन करते हैं? कारक करते हैं। तो इसमें पहला कारक का नाम है कर्ता कारक। और ये बात भी हमने आपको पहले के वीडियो में बताई थी कि कारक के जो चिन्ह हैं उन्हें विभक्ति के नाम से जानते हैं। कारक के चिन्हों को किसके नाम से जानते हैं? विभक्ति के नाम से जानते हैं। तो कर्ता कारक की जो विभक्ति है या कारक चिन्ह है वो क्या है? ने है। कर्ता कारक का कारक चिन्ह क्या है? ने है। और परिभाषा देखिए इसकी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है, कि क्रिया को करने वाला कौन है, इस बात का जो बोध होता है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे देखिए, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पर कार्य को करने वाला कौन है? मोहन। और मोहन ने ये कारक चिन्ह है। किसको पढ़ा गया? पुस्तक को पढ़ा गया। तो इस प्रकार से दूसरा जो उदाहरण है वो देख सकते हैं आप कि बिल्ली ने चूहा पकड़ा। अब यहाँ पर कार्य को करने वाली कौन है? बिल्ली है। और ये बात कौन बता रहा है? ने वर्ड बता रहा है। ने जो कारक चिन्ह है वो ये बता रहा है कि चूहा किसके द्वारा पकड़ा गया? बिल्ली के द्वारा। तो इस प्रकार क्रिया के करने का बोध होता है कि क्रिया को करने वाला कौन है। तो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कारक चिन्ह आपको समझ में आ गया होगा क्या है? ने है। अब दूसरा कारक कर्म कारक। कर्म को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इस कर्म कारक का जो कारक चिन्ह है वो क्या है? को है। डिफाइन देखिए, जिस शब्द पर
कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़े। कर्ता ने जो कार्य किया है उस पर यदि कार्य का फल पड़े तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस शब्द पर, वाक्य के जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे देखिए, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। देखिए यहाँ पिलाना वर्ब है, क्रिया है। कार्य को करने वाली कौन है? माँ है। लेकिन माँ के द्वारा किया गया कार्य का फल किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। इसलिए इसमें जो कारक चिन्ह है वो क्या है? को है। और कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल बच्चे पर पड़ रहा है। इस कारण इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। जैसे देखिए, मोहन को पत्र लिखा। मोहन को पत्र लिखा। अब जो कोवर्ड है, पत्र के लिखने का कार्य का फल किस पर पड़ रहा है? को पर। किसको पत्र लिखा गया? मोहन को। तो इस तरह से, या इसमें और बड़ा वर्ड भी हो सकता है कि रमेश ने अपने मित्र मोहन को पत्र लिखा। लेकिन मैं छोटे बच्चों, छोटी क्लासों की वजह से इसमें दो दो कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, जिसे सीधा आपको समझ में आ जाए। अगला कारक देखिए, करण कारक। करण कारक का जो कारक चिन्ह है, विभक्ति है, वो क्या है? से या के द्वारा। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। ध्यान देने योग्य बात है कि वाक्य में प्रयुक्त जो कर्ता है जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे देखिए, बच्चे खिलौने से खेलते हैं। खेलने का कार्य किससे हो रहा है? खिलौने से। किससे हो रहा है? खिलौने से। माँ चाकू से फल काटती है। तो यहाँ पर कार्य संपन्न किससे हो रहा है? चाकू से हो रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। अब नंबर 4 है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की जो विभक्तियां हैं, कारक चिन्ह है, वह है को या के लिए। कर्ता जिसके लिए कोई कार्य, कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे, कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे वह भूखों को अन्न देता है। अब वह यहाँ करता है, लेकिन किसके लिए कार्य कर रहा है? भूखों के लिए। तो इसलिए कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है उसमें संप्रदान कारक, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गीता रेणु के लिए चाय लाई। किसके लिए लाई? रेणु के लिए। तो कर्ता किसके लिए कार्य कर रहा है? रेणु के लिए। इसलिए इसका कारक चिन्ह क्या है? के लिए। अगला कारक है अपादान कारक। से या अलग होने का भाव होता है इसमें। कारक की जो व्यक्ति है, जो चिन्ह है, वो से या पृथक होने का भाव होता है। जैसे डेफिनेशन देखिए, जिससे किसी वस्तु का अलग होने का बोध हो। वाक्य में जिससे किसी वस्तु का अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। किसे? पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने का भाव है इस तरह से कि उसमें दोबारा नहीं लग पाए। या राजू बस से कूदा, तो यहाँ पर भी अलग होने का भाव है। तो जिससे किसी वस्तु का अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। नंबर जो शिक्षा है वो है संबंध कारक। संबंध कारक की
जो कारक चिन्ह काके की रारेरी भी होता है। डिफाइन देखिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के साथ संबंध का बोध हो, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के साथ किसका बोध हो, संबंध का बोध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। एक दूसरे का संबंध, जैसे यह तुम्हारा घर है, संबंध बता रहा है कि ये है, वह जो है यह तुम्हारा घर है, मोहन की बहन आ रही है, यहाँ भी संबंध बताया जा रहा है। नंबर 7 है अधिकरण कारक, में पर, ये क्या है, इसके कारक चिन्ह हैं। जिन शब्दों से क्रिया के आधार का बोध हो, वाक्य में जिन शब्दों से किसके बोध हो, क्रिया के आधार का बोध हो, अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे माँ कुर्सी पर बैठी है, आधार का बोध हो रहा है कि माँ कहाँ बैठी है, कुर्सी पर बैठी है, तो इस तरह से किसका बोध हो रहा है, आधार का बोध हो रहा है। और नंबर जो लास्ट है संबोधन कारक, कारक चिन्ह इसके हे, ओ, अरे, रे भी हो सकता है। डिफाइन देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का भाव का बोध होता है, संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे राम मेरी पुकार सुनो, तो यहाँ पर किसी से निवेदन या प्रार्थना करने का भाव है। अरे रमेश यहाँ आओ, तो इस तरह से ये वर्ड ऐसे हैं जिनसे ये पता लग रहा है कि किसी को बुलाने या पुकारने के भाव का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपने कारक के जो काइंड्स हैं, कारक के जो भेद हैं, उन्हें जाना, और जानने के बाद देखिए छोटी कक्षाओं में से किस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। छोटी कक्षाओं में सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन यही बनेगा कि कारक के भेद कितने होते हैं। काउंटिंग तो आपको याद होनी चाहिए, कारक के भेद कितने होते हैं इसकी संख्या तो आपको याद होनी चाहिए। कितने बताओगे, 8। और थोड़ी जो बड़ी कक्षाएं, उनमें कारक की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, भेदों के नेम पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से कारक से संबंधित क्वेश्चन आंसरों का निर्माण करके उनका आंसर देना सीखें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।